सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। और इस साल 21 में हुई है 3,865, इसका मतलब नकब जनी में 20% की बढ़ोतरी, जो सामान्यतः 7 महीने में किसी भी जगह होना असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि खुली छूट है। इसी तरह से चोरी के प्रकरण में अगर कहीं चोरी हो गई और दर्ज करने जाए तो उसको कोई ना नहीं कह सकता है। मैं सोचता हूं चोरी के प्रकरण 2020 में जो दर्ज हुए थे जुलाई तक, वो है 14,973, और अभी 21 में हुए हैं 19,236, इसका मतलब 28% की बढ़ोतरी है। दूसरा, अपराध की बढ़ोतरी में मैं दो फिगर आपको बता रहा हूं। बलात्कार कोई भी अगर दर्ज करने जाएगा तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुरंत दर्ज करो। अब उन मुख्यमंत्री जी को कहो कि भरतपुर में 21 दिन तक बलात्कार महिला थाने पे जाती रही, उसका दर्ज नहीं हुआ। अब बलात्कार के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं जुलाई 2020 में, वो हुए थे 2,972, और अभी 21 की जुलाई में हुए हैं 3,717, इसका मतलब राजस्थान में इन 7 महीनों में 2 सालों की तुलना में बलात्कार की बढ़ोतरी 25% है, जिसे कोई भी आदमी 25% का मतलब 1/4 बड़ा है। इसी तरह से बलात्कार के साथ ही अपहरण है, अब ये भी कोई मुकदमा दर्ज करना जाएगा तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करना ही पड़ेगा। जुलाई 20 में था 3,495, और अभी जो दर्ज हुए हैं इस साल वो 4,600, अर्थात 31.62% की बढ़ोतरी है। इसमें भी आपको आश्चर्य लगा कि महिला अपराध की दृष्टि से शेड्यूल कास्ट की महिला के अपराध 28% बढ़े हैं, जबकि सारे राजस्थान के अपराध अपन ने 25% माना है, तो शेड्यूल कास्ट की दृष्टि से अपराधों की। और आप और मैं जो घटनाएं रोज पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको देख करके लगता है कि इस पर कोई कोई शब्द नहीं बोलता है। अभी जो सिंधरी में घटना हुई, एक मोटरसाइकिल पे जाने वाले परिवार को जबरन गाड़ी में डालकर और उसके साथ गैंगरेप हुआ, अब ये इस घटना के बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये आपके नमूने हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 16 साल की बच्ची के साथ मांडलगढ़ में जिस प्रकार का दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बारे में आपको कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस तो यह है कि आपने देखा पिछली बार आपने यहाँ जयपुर का ही है, ये जो आपका वैशाली नगर है, इस वैशाली नगर में जो अपराध हुआ और उस बच्ची ने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया, वो आपके यहाँ घटित हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मरीज को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस है, उसमें जिस प्रकार से के साथ गैंगरेप हुआ, यो आपको जाहिर है। अलवर में एक 16 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया, वो घटना भी शायद राजस्थान के हर आदमी को पढ़ने के बाद उसके रोंगटे खड़े हुए होंगे। तो एक तरह से अपराध का एक सिलसिला चल रहा है, और अपराध इतनी तेज गति से बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण जो मैं हमेशा कह रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये विभाग ऐसा है जिसमें निरंतर मॉनिटरिंग चाहिए। प्रतिदिन शाम को कोई न कोई जिम्मेदार आदमी राजस्थान के विभिन्न थानों में दर्ज हुए मुकदमों के बारे में उसकी पूछताछ करने वाला चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं, जो आपने देखा होगा, मैंने शायद हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री जी देखे हैं जो कोरोना काल में अपने 8 सिविल लाइन से बाहर ही नहीं आए, लेकिन रोजाना आप और हमको जरूर टीवी पे देखते हैं, और आप लोग भी उनको रोज दिखाते हो कि वो आज वीसी कर रहे हैं, आज वीसी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में ये हिंदुस्तान का शायद रिकॉर्ड पहला मुख्यमंत्री ने बनाया होगा कि जितने कोरोना काल में अपने घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं। और कल बड़ा अच्छा उन्होंने एक कहा